मध्य प्रदेश बीजेपी का ग्वालियर चंबल के इलाकों में काफ़ी दबदबा माना जाता है। बता दें कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक बीजेपी की सरकार है। बात करें तो ग्वालियर चंबल में बीजेपी के दिग्गज का दबदबा है। इन नेताओं के दबदबे के बाद भी ग्वालियर पिछड़ रहा है। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्वालियर पिछड़ रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में ये साबित भी हो गया है। दरअसल स्कूलों से जुड़ी केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 16 जिलों में पांचवी कक्षा का एक भी विद्यार्थी ए प्लस कैटेगरी में नहीं आया है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। इन जिलों में ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और शिवपुरी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा की स्थिति बेकार है। प्रदेश में 21,000 से ज़्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वहीं प्रदेश में सबसे ज़्यादा अध्यापकों के खाली पद हैं। कमलनाथ ने आगे लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि सत्ता में काबिज बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश सरकार में नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े दिग्गजों ने इन क्षेत्रों की कमान संभाल कर रखी है। शिवराज सरकार के कई मंत्री भी इन क्षेत्रों से आते हैं। वहीं इतने दिग्गज का ग्वालियर चंबल के क्षेत्र से आने के बाद भी केंद्र सरकार की ये रिपोर्ट सरकार की पोल खोल रही है।